शिवरात्रि के बाद अब श्रावण मास की अमावस्या का पर्व आएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और इसी दिन हरियाली अमावस्या का पर्व पड़ेगा। इसी दिन सावन सोमवार का व्रत रहेगा। तीन पर्वों के संगम वाले दिन आखिर किन गलतियों के कारण अधूरी रह सकती है आपकी पूजा, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सावन के महीने में हर दिन अपना अलग ही महत्व रहता है। हिंदू धर्म के मुताबिक हर महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि अमावस्या कहलाती है। पितरों की पूजा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन का काफी महत्व बताया गया है। श्रावण मास की अमावस्या सोमवार को पड़ने की वजह से और भी खास हो गई है। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने पर सुहागिनों को शिव अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसी दिन हरियाली अमावस्या का पर्व भी पड़ेगा और सोमवार का व्रत भी है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पूजा श्रद्धा भाव और विधि विधान से करने से शिव सुख सौभाग्य बरसाते हैं, लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दुख और दुर्भाग्य से बचने के लिए ऐसे कौन से काम हैं जिनको श्रावण मास की अमावस्या को नहीं किए जाने चाहिए। सोमवती अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना नहीं भूलना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ता गाय और कुए को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितृ पिंडदान तर्पण और दान पुण्य और श्रद्धा का इंतजार करते हैं, इसलिए इस दिन ये सब काम करना नहीं भूलना चाहिए। अगर इन कामों को करना भूल जाते हैं तो पितृ नाराज होकर श्राप भी दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिले इसके लिए पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम न मानने से पूजा का शूल फल प्राप्त नहीं हो पाता। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस मदिरा को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी न फैले, तभी पूजा का शुभ फल मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन किसी से भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस दिन किसी को भी दिल दुखाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।